बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आई एम मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सीएसपी ऑफिसर। आज का ये हमारा टॉपिक नए ग्रेजुएट्स के लिए है, हमारे यंग ग्रेजुएट्स जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद फारगुल तहसील हैं और सीएसपी ऑफिसर बनना चाहते हैं, सीएसएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सीएसएस इज़ द एब्रिविएशन ऑफ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो सीएसएस का एग्ज़ाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, जो हर साल अमूमन फरवरी के महीने में होता है। और इस दफ़ा तो सीएसएस ने एक पहले 100 मार्क्स का शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एग्ज़ाम भी रखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट सीएसएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो पहले एक शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देंगे और उनमें से पास होने वाले कैंडिडेट ही नेक्स्ट आने वाले सीएसएस के एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। सीएसएस करने के बाद ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप किस तरह कर सकते हैं सीएसएस और किस तरह आपको कामयाबी मिल सकती है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि सीएसएस है क्या और इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स होते हैं। सीएसएस में तकरीबन 1200 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें से 600 नंबर कंपलसरी हैं और 600 जो हैं वो ऑप्शनल के हैं। अब कंपलसरी कौन कौन से हैं ज़रा डिटेल जानते हैं। सीएसएस कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन 1200 मार्क्स। द एग्जामिनेशन विल इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड ईच सब्जेक्ट विल कैरी द मार्क्स शोन अगेंस्ट इट। देयर विल बी टू पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स each of the subject which carry 200 marks. In another subject there will be a paper, each paper will be 3 hours duration. यानी अगर 200 नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके दो पेपर होंगे 100-100 नंबर के और इस पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे होगा। द कैंडिडेट शुड एक्सपेक्ट सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQs इन कंपल्सरी एंड ऑप्शनल पेपर्स एक्सेप्ट इन द पेपर्स ऑफ essay, applied mathematics and प्योर मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट में तकरीबन 20-21 नंबर का एमसीक्यूज पोर्शन भी होता है जो पहले लिया जाता है, लेकिन ये जो इंग्लिश एसे का आपका सब्जेक्ट है या पेपर है और अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स में ये नहीं होता, वहाँ 100 नंबर का ही पेपर होता है सब्जेक्ट। द क्वेश्चन पेपर इन उर्दू एंड अदर पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची, पर्शियन एंड अरबिक शुड आंसर इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। तो जो हमारी जो इलाकई ज़बानियों के जो पेपर हैं, जिसमें पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, फारसी और अरबी शामिल हैं, इनके जो पेपर है आप उसी ज़बान में ही उसका जवाब देंगे। अगर आपका अरबिक का है तो अरबिक में लिखेंगे, अगर पंजाबी है तो पंजाबी में लिखेंगे, उर्दू इंग्लिश में नहीं लिखना इनको। हाउएवर क्वेश्चन रिलेटिंग विद ट्रांसलेशन फ्राम रिस्पेक्टिव लैंग्वेज इन टू इंग्लिश आर वॉइस वसरा मे बी आंसर्ड एज डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन पेपर। तो ये हो सकता है कि उसमें अरबी को उर्दू में ट्रांसलेट करना हो, फारसी को किसी और ज़बान में उसकी ट्रांसलेशन करनी हो, तो वो जिस तरह की डायरेक्शन पेपर पर होगी उसके मुताबिक आपने करना है। द क्वेश्चन पेपर इन इस्लामिक स्टडीज़ आर कंपेरेटिव स्टडीज ऑफ मेजर रिलीजियस इज़ टू बी आंसर इन इंग्लिश और उर्दू। इस्लामिक स्टडी का पेपर जो है आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में ये ऑप्शन होता है, आप कर सकते हैं। ऑल अदर पेपर्स मस्ट बी आंसर इन इंग्लिश अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन पेपर। और बाकी तमाम पेपर जो हैं वो आपको इंग्लिश में ही हल करने होंगे, सिवाय इसके कि अगर किसी में कोई डायरेक्शन दी गई है कि आप उर्दू में भी कर सकते हैं। कंट्रोवर्शन ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रक्शन विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द पेपर एंड अवार्ड 0 नंबर। अगर आप उनकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, अगर वो इंग्लिश में करने का कहा गया और आप उर्दू में कर देते हैं और उर्दू का कहा गया तो आप इंग्लिश में कर देते हैं,
तो ऐसी सूरत में आपको पेपर को 0 मार्क्स मिलेंगे। द नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन आइदर टू टेक इस्लामिक स्टडीज आर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजियस। तो जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके लिए ऑप्शन है कि वो इस्लामिक स्टडी को रखें या कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजियस जो सब्जेक्ट है इसको चूज कर सकते हैं। अ कैंडिडेट हु डज नॉट अपियर इन एनी कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द रिमेनिंग पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जो भी कैंडिडेट है अगर वो कंपल्सरी सब्जेक्ट में अपियर नहीं हुआ तो उसको जो बाकी मानदा जो पेपर हैं ऑप्शनल उनमें बैठने की इजाज़त नहीं होगी। द थ्री पेपर ऑफ जनरल नॉलेज GK1, GK2 एंड GK3 आर टू बी पास्ड कलेक्टिवली बाई सिक्योरिंग 120 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो GK के 3 पेपर होते हैं जिसमें से कुल मिला के आपको 120 नंबर, ये बड़ी ऑप्शन है कि अगर एक में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं दूसरे में कम हैं तो इन तीनों के इकट्ठे मार्क्स करके आपको 300 में से 120 मार्क्स लेना ज़रूरी होते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, कंपल्सरी में 100 नंबर का ऐसे है और इसमें MCQs नहीं होगा, ये 3.5 घंटे का पेपर होगा, कोई 4 से 5 या इससे भी ज़्यादा टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे आप कह लें कि कोई डायरेक्टली इस तरह के टॉपिक नहीं होते। स्टूडेंट को समझना चाहिए कि आपने कायदे आज़म या अलामा इकबाल पे मजमून लिखना है, ऐसा नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं उनके हवाले से होता है और क्रिएटिविटी होती है और आपने पहले उस जो कोटेशन वगैरह दी गई होती है उसको समझना होता है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है और उसके मुताबिक फिर आपने लिखना है। और ये बड़ा सबसे अहम पेपर जो है इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन का होता है और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इन 2 पेपरों में रहते हैं और मतलब नाकाम हो जाते हैं, फेल होते हैं। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि किसी एक टॉपिक के ऊपर 3.5 घंटे और वो भी बड़े तवाज़ुन के साथ तमाम चीज़ों को एक सीक्वेंस के साथ लिखना है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि आपने किसी ऐसे को कैसे लिखना है उसके बारे में भी। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन 100 नंबर। जनरल नॉलेज, ये पेपर 1 है इसका, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस में 20 MCQs आते हैं, सब्जेक्टिव 40 नंबर का होता है और जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं वो 40 होते हैं। पेपर 2 है जी करंट अफेयर्स, हालात व वाक़यात क्या हैं पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के। और 3rd पेपर है जी पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान के बरूनी दुनिया के साथ क्या तल्लुकात हैं, जिनके जिन में पाकिस्तान के अमूमन अमेरिका, बरतानिया, रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया और जो भी हमारे हमसाया मालिक हैं जिनके साथ हमारे सफारती तल्लुकात हैं। इस्लामिक स्टडीज़ आर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजियस, इस्लामियात का है मुस्लिम के लिए और कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजियस ये नॉन मुस्लिम के लिए ऑप्शन है। तो इस तरह ये टोटल 600 मार्क्स का कंपल्सरी पोर्शन बन जाता है। MCQs आर टू बी अटेम्प्ट ऑन कंप्यूटराइज OMR शीट। MCQs के लिए OMR शीट जो दी जाती है उसके ऊपर आपने हल करना होता है। वेयर इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड ऑन आंसर बुक, और सब्जेक्टिव के लिए आपको आंसर शीट आंसर बुक अलग से दी जाती है। यहाँ कुछ ऑप्शन सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी दैट ऑफ द ऑनर्स डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द ऑप्शन सब्जेक्ट, कैरी आउट टोटल 600 मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स एज पर रूल्स गिवन इन कॉलम नंबर 1 बिलो। यहाँ 600 डिफरेंट ग्रुप्स दिए गए हैं जिसमें से 600 नंबर का आपने चूज़ करना है और किसी भी ग्रुप में से आप 200 मार्क्स के सब्जेक्ट जो वो चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग एंड ऑडिट, ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इन में से आप किसी एक का इंतखाब करके 200 नंबर का सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा 200 नंबर से ज़्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कि एक ही सब्जेक्ट में आप एक ही ग्रुप में से आप सारे के सारे सब्जेक्ट ले लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रुप 2 है 1 सब्जेक्ट कैरी आउट 200 मार्क्स और 2 सब्जेक्ट कैरी 100 मार्क्स। आप 200 नंबर का एक सब्जेक्ट ले लें या 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी।
थर्ड ग्रुप पे हमारा वन सब्जेक्ट कैरी अराउंड 100 मार्क्स, इसमें से आप 100 मार्क्स का ले सकते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ग्रुप फोर वन सब्जेक्ट कैरी अराउंड 100 मार्क्स, सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया 100 मार्क्स, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 100 मार्क्स, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ग्रुप फाइव वन सब्जेक्ट शुड बी कैरिंग आउट 100 मार्क्स, जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। आप इनमें से किसी किसी सब्जेक्ट को जो 100 नंबर का है वो इस ग्रुप में से आप ले सकते हैं। ग्रुप सिक्स वन सब्जेक्ट कैरिंग 100 मार्क्स, इसमें लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ एंड जुरिस्डेंस, और क्रिमिनोलॉजी है, फिलोसफी है। तो इनमें से भी आप 100 100 ये नंबर के सब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ग्रुप सेवन है वन सब्जेक्ट कैरिंग आउट 100 मार्क्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरबिक। तो यहाँ ये तो हो गया हमारा नंबर की तकसीम कि हम 600 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है, सॉरी कंपलसरी पोर्शन है, और 600 नंबर का ऑप्शनल। और ऑप्शनल में भी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो आप अपनी अपने चॉइस के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। अब अगला हमारा मरहला है कि हाउ टू चूज़ द सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना है। तो ये सबसे बड़ी अहम काम होता है, ये समझ लें कि इसी तरह जिस तरह को हम को बीज या सीड की सिलेक्शन करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी बीज का या सीड का इंतखाब करते हैं किसी फसल के लिए या कोई भी काम करने के लिए। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है जिस तरह स्टडी के लिए बहुत अहमियत के हामिल है, और मेरे ख्याल में यहाँ पे CSS में भी सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। मिसाल के तौर पर आपने ये नहीं है कि आपने बहुत मुश्किल सब्जेक्ट और बहुत जिनकी वर्थ है उन सब्जेक्ट को आपने चूज़ करना है, ये एक किस्म की नंबर गेम है। क्योंकि कंपलसरी में आपके 33 मार्क्स अगर होंगे तो आप पास हैं, ऑप्शनल में आपके 40 नंबर होंगे तो आप पास हैं, लेकिन आपका एग्रीगेट 50% यानी 1200 में से अगर आपके 600 नंबर हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। वहाँ पे ये नहीं सॉरी ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्योंकि कंपलसरी तो सबके लिए सेम है, ऑप्शनल में आपके पास चॉइस है। आप उन सब्जेक्ट को चूज़ करें, एक तो वेबसाइट पे या जब रिजल्ट आता है तो इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी आता है कि किस में कितने लोगों ने सब्जेक्ट का चूज़ किया, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, या आपसे पहले कोई आपका कोई दोस्त को साथी अगर कोई CSS कर रहा है तो उससे भी आप मदद ले सकते हैं, किसी एकेडमी से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं कि आपने सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक कि आपको जो सब्जेक्ट हैं उनके उनकी आउटलाइन लेनी चाहिए, उनसे रेलेवेंट बुक्स को स्टडी करना चाहिए। आप जाएं यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके सर्च करें या आप परचेज़ करके करें, तो आप देखें, आप समझें कि आप इस सब्जेक्ट को या इसको, और सबका जो पिछले पेपर हैं उनमें भी ये नहीं होता कि जो पेपर में सवाल आए हैं वही आएंगे नेक्स्ट, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको इस चीज़ की समझ आ जाती है कि वो सब्जेक्ट में किस लेवल तक, किस हद तक और किस नोयत के क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि जो पहले आए हैं वही दोबारा आएंगे, लेकिन उसमें किसी हद तक आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और सब्जेक्ट के हवाले से भी आप उनको आउटलाइन को सर्च करें, उसके मतलब जो टॉपिक्स हैं उनको आप स्टडी करें, तो फिर आप ये कोई अक्सर मैंने देखा है कि फ़लाँ ने जो रखे थे दोस्त ने मैंने वही रख ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप हर इंसान जो है वो यूनिक है, वो दूसरे से डिफरेंट है, तो जो जो कैपेसिटी आपकी है, जो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता इसको, कोई तो तब जानेगा जब आप एक्सप्लोर करेंगे उसको, आपकी एबिलिटीज़ को मेहनत करने के बाद। ये समझ लें कि आप कहेंगे कि कोई नहीं जान सकता तो फिर CSS में वो कैसे जान लेते हैं, तो वो आप 6 माह, साल, 2 साल मेहनत करेंगे, सारा कुछ करने के बाद फिर आप रिटन एग्ज़ाम देंगे
और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, तो फिर उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं तो फिर वो एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहले दिन ही किसी आप CSP ऑफिसर से भी मिलें तो वो आपको बता दे भी आप ये बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपने क्या बनना है वो तो आगे वो एक अलग इशू है कि कौन कौन से उसमें तकरीबन 10 से 12 जो हैं कह सकते हैं कि महकमे हैं जिनमें से CSS करने के बाद आप जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे जो अहम मेरे ख्याल में है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, उस वाले से आपको खुद काम करना चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे आप साथ साथ काम करते रहें, शुरू से शुरू स्टार्ट से काम कर दें। इसके लिए आपको डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें और सबसे बेहतरीन जगह तो लाइब्रेरी है। आप जिस शहर में जहाँ पे भी हैं अगर लाइब्रेरी अवेलेबल है तो आप लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ बहुत सारी बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आप वहाँ बैठें पढ़ें उनको स्टडी करें, गाइडलाइन बिल्कुल ज़रूर लें, अकेडमी भी ज्वाइन करें, लेकिन पढ़ना आपको खुद है, तैयारी आपने खुद करनी है। वहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा, कुछ गाइडलाइंस मिल जाएंगी, कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी, एक्सपीरियंस लोग शेयर करेंगे, तो ये चीज़ें तमाम की तमाम चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।